तो आज अपन जा रहे हैं हंटर की सेकंड सर्विस करवाने। अब सो ये वीडियो में भी बने रहो, ये वीडियो में बाइक सर्विस के साथ साथ कुछ और भी चीजें होने वाली है। पब्लिक तो काफी दिख रही है, देखते हैं चेतन भाई क्या बोलते हैं। ओ भाई साहब, तो ये है हिमालयन 450 का फ्रंट लुक, LED हेडलैम्प, इंडिकेटर्स, कलर बहुत प्यारा है यार, ये ब्लैक वाले से अच्छा कलर लग रहा है। टायर वगैरह भी जबरदस्त है, प्यारी लग हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक और छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। एक्चुअली आज मैं आपको किलोमीटर दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी का टोटल किलोमीटर हो गया है 5155। तो हंटर की जो सेकेंड सर्विस है वो 5000 किलोमीटर पे है, 5000 किलोमीटर या फिर 6 महीना, तो वो अपना कंप्लीट हो गया है। 6 महीना तो नहीं हुआ लेकिन 5000 किलोमीटर हो गए। तो आज अपन जा रहे हैं हंटर की सेकंड सर्विस करवाने। अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले लिया गया है कल शाम को ही, और यहाँ से जाना पड़ेगा नीचे से, तो अपना 9:30-10 बजे तक का टाइम था। 10 बजे वर्कशॉप ओपन होता है, वो बोले कि अगर आप मॉर्निंग में आ जाते हो 10 बजे तक तो आपकी गाड़ी पहले ही लग जाएगी और काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि संडे है और बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं उनके पास, काम बहुत आता है। तो ऐसा ना हो कि आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़े एक दिन के लिए, इसलिए आप मॉर्निंग में आ जाओ, फटाफट काम हो जाएगा आपका। तो चलते हैं सेकंड सर्विस करवाते हैं। कहाँ भाई साहब, भिवंडी में ये ऑटो वाले और हैरान करके रखे, लोग से ज़्यादा ऑटो है और बस इनकी जैसी मर्जी, जहाँ जाना है इनको वहाँ चले जाते हैं, ये जहाँ से टन घुमाना है वहाँ से घुमा लेते हैं, बहुत बचना पड़ता है। और भिवंडी में ऐसा होता है, बाइक वर्सेस ऑटो चलते रहता है। ऑटो वाले से पूछोगे तो वो बाइक वालों को दो बात बोलेंगे, बाइक वालों से पूछोगे तो वो ऑटो वाले को दो बात बोलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने महाबलेश्वर का ब्लॉग देखा, 3 वीडियोस देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, और अपनी राय को कमेंट के थ्रू हमारे तक पहुँचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कमेंट करने जैसा कुछ नहीं है वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यार कम से कम लाइक तो कर दो, लाइक करने में क्या ही जाता है। सो ये वीडियो में भी बने रहो, ये वीडियो में बाइक सर्विस के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होने वाली है, और मेरे लिए तो वो नई है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए भी नई होगी मेरे इस चैनल की तरफ से। पूरी कोशिश करेंगे उसका मज़ा दिलाने की आपको। सो वीडियो में एंड तक बने रहो। जो भाई नए आए हैं चैनल पे वो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। देखो, कमेंट करने से क्या होता है ना, इंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो इस तरह काम करता है, जिस वीडियो पे कमेंट चल रहे हों, जिस वीडियो को शेयर किया जा रहा हो, तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम जो है यूट्यूब का उसको और ज़्यादा फैलाता है,
तो जो भी यूट्यूबर होते हैं वो आपको बार बार इसीलिए बोलते हैं कि लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि उससे इंगेजमेंट बढ़ता है और उससे वीडियो का रीच बढ़ता है, तो ज़्यादा ऑडियंस तक वीडियो पहुंचती है, उसमें से लोग और सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, मैंने भी अभी नया नया चैनल बनाया है, काम कर रहे हैं इस पे, आप लोग सपोर्ट करो और अच्छे से काम करेंगे, थोड़ा चैनल को बड़ा बनाना है, आप लोग का सपोर्ट और दुआ रही तो इंशाल्लाह वो भी बनेगा। तो अच्छी बात अपने लिए ये है, रॉयल इनफील्ड का शोरूम अपने बहुत करीब, अपने घर से 10 किलोमीटर के आसपास होगा। एसआर मोटर्स करके रॉयल इनफील्ड का यहाँ पर एक शोरूम है, इनका मेन ब्रांच जो है वो उल्हासनगर में है, पहले से वो है, और फिर और उसके उसके बाद वो लोगों ने एक यहाँ पर भी चालू किया है, ये कल्याण कोन गांव पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दूर है, बहुत अच्छा। यहाँ पर भी देखो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, स्कोडा, MG, फिर इसके बाद आगे तो पहले से ही है टाटा वगैरह, ये हुंडई है, टाटा है, सुजुकी का है, तो ये जो पूरा कमर्शियल एरिया हो गया बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बहुत सारे आ गए हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी है यहाँ पर। ये अपन पहुंच गए एसआर मोटर्स, चलो देखते हैं अपन कितनी जल्दी आए हैं, अपने से पहले कितना नंबर है, जल्दी से नंबर लगा लेंगे, अपना भी काम हो जाएगा मस्त। पब्लिक तो काफी दिख रही है, देखते हैं चेतन भाई क्या बोलते हैं। A few moments later. तो ये था वो सरप्राइज, हिमालयन 450, आज अपन इसका एक छोटा सा राइड करेंगे। अपन अपनी हंटर छोड़ दिए हैं सर्विस के लिए, और अरे बाप रे बाप, तो घोड़ा है भाई घोड़ा। पैर कितना पहुंच रहा है मेरा, दोनों साइड इतना इतना, अच्छा है भाई। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं कि घोड़े को चलाएंगे आज। उस पे तो राजा वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर बैठा हूँ। पावर तो है भाई गाड़ी में, तो पावर रहेगा ही, 450 CC है। मैं पुरानी वाली हिमालयन नहीं चलाया हूँ, उसका मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये चला रहा हूँ। पे बैठने के बाद व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, फील बहुत अच्छा आ रहा है। बोला आज आए हैं तो छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसका, आप लोग को वीडियो में ये भी गाड़ी दिखा देंगे, और इसमें और भी कलर है, एक ब्लैक कलर है, उसका भी वीडियो आप लोग देखो।
ये कलर है तो ये वाइट, लेकिन ये कलर का नाम कुछ ब्राउन करके है, एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन आपको डिस्प्ले पे लिख के आ रहा होगा। ओ भाई साहब, वाकई में यार ये लॉन्ग रूट के लिए है ये गाड़ी। गाड़ी के क्या स्पेसिफिकेशन है तो सारी डिटेल आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगी। अपने को कोई ये बहुत देर के लिए नहीं मिली है जो इसमें अपन इसका डिटेल रिव्यू डालें। ट्राई करेंगे किसी दिन ये गाड़ी ले के 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद इसका डिटेल रिव्यू डालेंगे। इतनी हैवी है लेकिन ये चलने पे हैवी लगती नहीं है, ऑफ रोडिंग में तो मज़ा आ जाएगा यार इसपे। भाई साहब बहुत कंफर्टेबल भी है यार, ये हैंडल पोस्चर वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, हंटर से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। और होगा भी ना, ये ऑफ रोड के लिए लॉन्ग टूर के लिए बनी है तो इसको सिटिंग पोजीशन ऐसी देना पड़ेगी जो बहुत कंफर्टेबल हो। बाउंस वाउंस भी अच्छा है, ब्रेकर कुदा के देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। वैसे शॉर्ट हाइट वालों को थोड़ा संभालना पड़ेगा, मेरी भी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन मैं संभाल लूँगा इतना है। अच्छा, इसमें हेडलाइट्स, इंडिकेटर, ये सब जो है टेल लाइट्स वगैरह डिजिटल दी है, ये अच्छी चीज़ है। हेडलाइट थ्रो कैसा है नाइट व्यू के लिए वो तो रात में चलाने पे समझ में आएगा, तो आप लोग को एक लुक दिखाता हूँ इसका कैसी दिखती है। ये स्टैंड भी बड़ा हैवी दिया यार। तो ये है हिमालयन 450 का फ्रंट लुक, LED हेडलैम्प, इंडिकेटर्स, कलर बहुत प्यारा है यार, ये ब्लैक वाले से अच्छा कलर लग रहा है मेरे को। टायर वगैरह भी ज़बरदस्त है, प्यारी लग रही है। नहीं भगा सकते इसको, एग्जॉस्ट साउंड भी अच्छा है यार। ओ भाई, न्यू हिमालयन मजेदार चीज है यार, ऐसा लग रहा है हम हॉर्स राइड कर रहे हैं। कलर मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है यार ये। क्या बोलती पब्लिक, कमेंट करो, लेने का क्या, हंटर चेंज करने का, हंटर से हिमालयन 450? अरे कमेंट में बताओ क्या लगता है आप लोगों को। मस्त, नहीं टेस्ट ड्राइव लिया था, सही है ना? गाड़ी अच्छा है। सो अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस कंप्लीट, और ये गाड़ी वॉश हो रही है सर्विस हो जाने के बाद।
सर्विस बहुत जल्दी हो गई क्योंकि अपनी गाड़ी में उतना काम नहीं था, और सरप्राइज़ है, मैं बताऊंगा आप लोग को अमाउंट सेकंड सर्विस कॉस्ट कितनी आई है अंडर 350 की। चलो मित्रों अपनी गाड़ी रेडी, ये प्यारी सी गाड़ी अपनी रेडी हो गई है नहा धो के साफ़ सुथरी होके, और 5000 किलोमीटर पे सेकंड सर्विस भी डन। पेट्रोल वगैरह फुल करा के रेडी, इसका अपन एवरेज भी निकाल लेंगे सेकंड सर्विस के बाद, इस बार ही फुल कराएं, खाली होएगी फिर फुल कराएंगे, किलोमीटर देख लेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो छोटी मोटी आवाज वगैरह थी वो भी बंदे ने सही कर दिए। इनके वर्कशॉप पे एक अनस करके बंदा है, मैकेनिक है, अच्छा मैकेनिक है, अपनी गाड़ी का काम वही करता है जब भी अपन गाड़ी लाते हैं यहाँ पर। तो अपना थोड़ा मामला ऐसा है, बातचीत करके अपन कंफर्टेबल कर देते हैं लोगों को, तो वो भी थोड़ा अच्छे से काम करते हैं अपनी गाड़ी का। और चाहिए ही क्या यार लाइफ में, लोगों से अच्छे से मुलाकात करो, अच्छे से मिलो जुलो, और वो आपके काम आएंगे, आप उनके काम आ जाओ, बस इसी तरह तो लाइफ चलती है। हाँ, तो अपनी सेकंड सर्विस की जो कॉस्ट आई है वो आप पूरा यूट्यूब सर्च मारो, हंटर 350 सेकंड सर्विस कॉस्ट, सबसे अलग अपनी आई है, अपनी आई है मात्र 355 रुपये। इनवॉइस आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब लोग बोलेंगे कि यार ये क्या बात हुई, क्योंकि मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखा हूँ जिसमें 4000, 5000, 2000, मतलब 2000 के नीचे मैं नहीं देखा हूँ कहीं, तो इतनी कॉस्ट आती है सेकंड सर्विस की हंटर 350 की, यूट्यूब पे लोग वीडियो डाल के रखे हैं। तो ऐसा नहीं है यार, गाड़ी में जिस काम की ज़रूरत है वही काम होगा, वही काम शोरूम वाले आपको सजेस्ट करेंगे, और आप भी उनको बताओगे कि मुझे ये तकलीफ़ आ रही है गाड़ी में, और उस हिसाब से वो काम करेंगे, तो उसका चार्ज लगेगा। अभी हंटर में ऐसा है कि फर्स्ट सर्विस जब आप 500 किलोमीटर पर करवाते हो तो इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके बाद सेकंड सर्विस होती है 5000 किलोमीटर पे, उसमें इंजन ऑयल चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेवल वगैरह देख लेते हैं लेकिन चेंज होता नहीं है, तो इंजन ऑयल का कॉस्ट बच जाता है। ये इंजन ऑयल अब चेंज होगा 10000 किलोमीटर पे, और या उससे पहले एक साल हो गया तो अब जब आप सेकंड सर्विस पे आओगे तो आप बताओगे कि भाई मुझे ये गाड़ी में तकलीफ आ रही है। मोस्टली क्या खर्चा होता है, दोनों लाइनर जो होते हैं ब्रेक पैड वो घिस जाते हैं, तो उसका एक कॉस्ट होता है जो अपनी गाड़ी में नहीं लगा, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हो। बहुत से लोगों का पैर अक्सर आधा ब्रेक पे दबा हुआ रहता है, ब्रेक दबी रहती है, तो उसकी वजह से वो जल्दी घिसता है। अब ये जो मेंटेनेंस है ना, ये बंदे के यूज़ करने के ऊपर है कि गाड़ी उसका कैसा मेंटेनेंस देगी, वो जैसा यूज़ करेगा वैसा खर्चा देगी उसको गाड़ी। तो मैं ये मामले में बहुत अच्छा हूँ बोलूँगा, मैं बहुत प्यार से गाड़ी यूज़ करता हूँ, गाड़ी का मज़े भी लो और गाड़ी को प्यार से रखो भी, तो क्या है गाड़ी भी आपको बराबर साथ देगी, आपका खर्चा कम देगी और कहीं बिगड़ेगी नहीं, अच्छे से आप कहीं भी जा आ सकते हो। तो अपनी गाड़ी में वही चीज़ थी, अपनी गाड़ी में कोई भी काम नहीं था, जो छोटे मोटे काम थे ऑयलिंग वगैरह के, चैन ल्यूप वगैरह के, वो उसने कर दिए, गाड़ी वॉश कर दी, क्लच सेटिंग, ये सेटिंग, वो सेटिंग, सब सेटिंग के काम कर दिए उसने, और बॉडी के पार्ट्स जहाँ से आवाज़ आने के चांसेस होते हैं वो भी उसने टाइट कर दिए, क्योंकि मुझे एक आवाज़ आ रही थी जब बहुत ज़्यादा रेव करो स्पीड में होती है गाड़ी, तो वो आवाज़ आती थी, वो कोई चीज़ लूज़ थी उसने वो टाइट कर दी, वो भी आवाज़ ख़त्म हो गई। तो ये रीज़न था अपनी गाड़ी की, जो सेकंड सर्विस की बिल आई है वो आई है 355 रुपये, और बाकियों की ज़्यादा आती है क्योंकि वो कुछ और काम करवा लेते होंगे, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती होगी उनकी गाड़ी में जिसकी वजह से वो काम उनको करवाना पड़ता होगा, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है जिस वजह से बिल ज़्यादा आती है। तो ये एक यूट्यूब पे ऐसा बना हुआ था कि बहुत
महंगी सर्विस कॉस्ट है हंटर की, बहुत महंगा पड़ता है, 5,000-6,000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो वो भाई ऐसा नहीं है, वो आपके यूज़ के ऊपर है, आप जैसा यूज़ करोगे गाड़ी को आपकी गाड़ी उतना खर्चा देगी। तो भाई लोग अगर वीडियो में अभी तक बने हो तो यार लाइक तो करो, कमेंट करो, आप लोगों ने भी यूट्यूब पे देखा होगा सेकंड सर्विस की कॉस्ट क्या आती है, आप लोग भी बताओ। और ख़ास तौर से आप लोग कमेंट करो अपनी हिमालयन 450 की, जो अपने छोटी सी एक राइड की उसके बारे में। हिमालयन 450 शोरूम में अवेलेबल है यहाँ पर, और उसका ऑन रोड प्राइस भिवंडी में पड़ेगा 3,55,000, 3,55,000। और अभी फ़िलहाल शोरूम में दो कलर अवेलेबल है, एक ब्लैक और एक ये जो था वो गाजा ब्राउन था, बाकी और भी कलर हैं इसमें। तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है, भिवंडी के आसपास हैं, तो भिवंडी के ये एसआर मोटर शोरूम पे विजिट कर सकते हो और उसकी डिटेल्स ले सकते हो, फाइनेंस का क्या प्रोसेस है, कैसा क्या है। लेकिन अगर कोई लेने का मूड बना रहा है तो पहले उसका टेस्ट ड्राइव लो। मैंने तो एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लिया, उसका अच्छे से टेस्ट ड्राइव लो, कुछ एक 20-25 किलोमीटर चलाओ उसको अच्छे से, उसके बाद डिसीजन बनाओ। संडे वैसे अच्छा गुजर गया अपना, अपना काम भी हो गया और आप लोग को कुछ नया देखने को भी मिल गया वीडियो में। R15, अरे यार मैं अभी भी मिस करता हूँ इसको। तो चलो भाई लोग, आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर से एक नए कंटेंट के साथ आप मिलेंगे बहुत जल्द। एक हिंट्स दे देता हूँ आपको, 26 जनवरी कुछ अलग होने वाला है अपने चैनल पे। बेल आइकन दबा दो, चाहे बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा अगला वीडियो आए। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।